हेलो छात्र छात्री अक मैं तुम लोगों मजदूर नतुन भिडि आनीसू भिडि आलोचना करम बरगीत यह पद्यांग भर कि इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आसे ए टू जेड यू भिडि आलोचना करम मैं तुम लोग भिडि जिक क्वेश्चन देखा दूम सीक क्वेश्चन भर तुम लोग कम्पार्टमेन्टल एग्जाम 100% श्योर कमन पबा पबा जदि नुपा मोक कमेन्ट कर कबा जी कबा सीट मैं मानि लम 100% श्योर मैं यू भिडि जिक क्वेश्चन देखा दूम सीक क्वेश्चन भर तुम लोग कमन पबा पबा इतना चाह लो कि इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आस प्रथम तुम लोग उलिये लिया टू नंग पृष्ठा कईटाम मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आस तारे प्रथम इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल श्री श्री माधवदेवर कत और के जन्म होइसिल एटु क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबार कारण तुम लोग उत्तर लिखा श्री श्री माधवदेवर लखीमपुर जिलार नारायणपुर लेटेकु पुखुरी 1489 सन जन्म है। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल श्री श्री माधवदेवर साहित्यिक जीवन कीर्ति स्तम्भ तो नाम लिखा यू क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबार कारण तुम लोग उत्तर लिखा श्री श्री माधवदेवर साहित्यिक जीवन कीर्ति स्तम्भ तो नाम हल नाम गुहा बुझी पाला। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल श्री श्री माधवदेवे रचना करा दुटा आख्यानमूलक रचनार नाम लिखा यू क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबार कारण तुम लोग उत्तर लिखा राजखुई काव्य आदिकाण्ड रामायण। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल श्री श्री माधवदेवे रचना करा दुटा तत्वमूलक रचनार नाम लिखा तेतिया तुम लोग उत्तर लिखा जन्म रहस्य भक्ति रत्नावली नाम मालिका जिकोनो दुटा लिखिले हल। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल श्री श्री माधवदेवर दुटा नाटकर नाम लिखा तेतिया तुम लोग उत्तर लिखा अर्जुन भंजन बा दधिमथन। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल श्री श्री माधवदेवर दुटा जुमुरार नाम लिखा तेतिया तुम लोग उत्तर लिखा चूर द्वारा पिंपरा गुसुआ भूमि लेटुआ भुजन विहार आख्यानमूलक रचना तत्वमूलक रचना नाट जुमुरा यह चारिटार जिकोनो दुटा क्वेश्चन 100% श्योर आसबई तुम लोग आख्यानमूलक रचना दुटा मन करा तत्वमूलक रचना दुटा मन करा नाटक नाम दुटा मन करा और जुमुरा नाम दुटा मन करा 100% श्योर दे मैं बारे बारे कैसो यह चारिटार दुटा आसबई। नेक्स्ट तुम लोग उलिये लिया थ्री नंग पृष्ठार सबा मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आस तार प्रथम इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल माधवदेवर बनिता थका मुठ कईटा बरगीत पुआ जा यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबार कारण तुम लोग उत्तर लिखा 157 बरगीत पुआ जा बुझी पाला माने माधवदेवर बनिता थका मुठ 157 बरगीत पुआ जा बुझी पाला। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल बरगीतर दूटा लक्षण लिखा माने कोई क्वेश्चन आइबो बरगीतर दूटा लक्षण उल्लेख करा एटु क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबारर कारणे तुम लोग जिकोनो दूटा बा चारिटा लक्षण मुखस्थ करिबा मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबारर कारणे। नेक्स्ट तुम लोग उलिये लिया फोर नंग पृष्ठात कईटामान मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आसे तारे प्रथम इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल ख नंग क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पर्टेन्ट सनक सननंद जुगी जहाकु दियाई सनक सननंद आदि जुगी हकले काक ध्यान करे बुली कैसे एटु क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबारर कारणे एटु क्वेश्चन तुम लोग भलको शिकी जाबा। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल बरगीत कि रागत बंदा आसे एटु क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबारर कारणे एटु क्वेश्चन तुम लोग भलको शिकी जाबा। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल कविये बान्धव बुली काक अनुमोदन करिसे एटु क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबारर कारणे एटु क्वेश्चन तुम लोग भलको शिकी जाबा। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल मुख पा माने कि एटु क्वेश्चन मोस्ट इम्पर्टेन्ट एबारर कारणे एटु क्वेश्चन तुम लोग भलको शिकी जाबा। नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन तो हल
2 নং কুয়েশনটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, বর্গীতটির মূল ভাব লিখা, এইটো কুয়েশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবারের কারণে, এইটো কুয়েশন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনটো হল 4 নং কুয়েশনৰ ক নং কুয়েশনটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সহস্র বয়নে যার নপাবন্ত সীমা অদমে জানিব কেনে তোমার মহিমা, এইটো ব্যাখ্যা করা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। যদি নোৱাৰা মোক কমেন্ট করে কবা, মই তোমালোকক শিকাই দিবলৈ চেষ্টা করিম। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনটো হল, মানে ব্যাখ্যাটো হল, তোমার চরণ 2 মোর মহাদন বকত জনরে নিজ তুমিছে জীবন, এইটো ব্যাখ্যা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবারের কারণে, এইটো ব্যাখ্যা তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা, মানে কম্পার্টমেন্টাল এক্সামের কারণে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইটো ব্যাখ্যা তোমালোক শিকি যাবা। যদি নোৱাৰা মোক কমেন্ট করে কবা, মই তোমালোকক শিকাই দিবলৈ চেষ্টা করিম। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনটো হল 5 নং কুয়েশনটো, চনক চনন্দ যোগী যাহাকু দিয়াই সকল নিগমে যাক বিচারি নাপাই, তাৎপর্য বিচার করা, এইটো কুয়েশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবারের কারণে, এইটো কুয়েশন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনটো হল 6 নং কুয়েশনটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, বৰগীতৰ 4টা লক্ষণৰ বিষয়ে লিখা, এইটো কুয়েশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবারের কারণে, এইটো কুয়েশন তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। মই এইটো ভিডিওত যিকেইটা কুয়েশন দেখাই দিলোঁ, সেইকেইটা কুয়েশনৰ ভিতৰত তোমালোক 100% শিয়োৰ কমন পাবাই পাবা। যদি তোমালোকৰ কোনোবা এটা কুয়েশ্যনৰ উত্তৰ লাগে, তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি দি দিম। যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ হোৱা, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।